डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए एक और रिपोर्ट देख रहे हैं। रिपोर्ट फायर एक्सीडेंट की है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट, कि जो नीचे हिंट्स दी गई है उनके आधार पर आपको एक फायर एक्सीडेंट की रिपोर्ट तैयार करनी है। फायर इन ए गारमेंट फैक्ट्री, पैनिक की वर्कर्स, फायर ब्रिगेड, इन्वेस्टिगेशन टीम एंड पुलिस, ये आपको हिंट्स मिल गई है। इसके अलावा भी कुछ हिंट्स हो सकती है, तो इसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमने। तो इसका टाइटल हो जाएगा फायर इन ए गारमेंट फैक्ट्री, ये टाइटल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं फायर एक्सीडेंट, ये भी आप ऊपर ऊपर दिखा सकते हैं। बाई तरफ अगर आप उस फैक्ट्री के स्टाफ रिपोर्टर हैं तो आप ऊपर ऊपर लिख दें स्टाफ रिपोर्टर, और एक डेट हो जाएगी May 7, 2019 इंदौर। अब इसके बाद हम इसको देख रहे हैं क्या क्या इस रिपोर्ट में हम लिख रहे हैं। यस्टरडे ए गारमेंट फैक्ट्री एट विजयनगर कार्ट फायर, कि कल एक कपड़ा उद्योग जो कि विजयनगर में है उसमें आग लग गई। द नेम ऑफ द फैक्ट्री इज रोज गारमेंट फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का नाम हो गया है रोज गारमेंट फैक्ट्री। इट इज सिचुएटेड इन ए 5-story बिल्डिंग, कि ये 5वीं मंजिला पर ये जो फैक्ट्री स्थित थी, कपड़ा फैक्ट्री है ये। स्मोक स्प्रेड द होल एरिया एज फायर इनकल्फ्ड द बिल्डिंग, कि जैसे ही आग ने बिल्डिंग को निगला या आग उसमें लगी, पूरे एरिया में धुआं फैल गया। पेनी की वर्कर्स ऑफ द गारमेंट फैक्ट्री ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बिल्डिंग, कि घबराए जो कर्मचारी थे फैक्ट्री के, उन्होंने बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश की। दे रश्ड टू द गेट, वो गेट तक पहुंचे, बट द गेट वॉज लॉक्ड, लेकिन जो दरवाजा था वो बंद था। गेटिंग द न्यूज ऑफ फायर, की आग की खबर पाकर के, द फायर ब्रिगेड रश्ड टू द स्पॉट, कि फायर ब्रिगेड भी वहीं स्पॉट पर पहुंच गए, यानी कि उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आग लगी हुई है। द फायरमैन ट्राइड हार्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कि जो वो अग्निशमक कर्मचारी होते हैं यानी कि जो आग बुझाने वाले होते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी आग को काबू करने के लिए। बेसाइड्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम फॉरवर्ड टू हेल्प द फायरमैन, कि इसके अलावा आसपास के इलाके से भी लोग मदद के लिए आए इन कर्मचारियों की मदद के लिए, यानी कि जो फायर ब्रिगेड के साथ जो टीम थी वो तो थी सही, लेकिन आसपास से भी लोग आग बुझाने के लिए और इन लोगों की मदद करने के लिए आए। आफ्टर 3 hours ऑफ हार्ड वर्क द फायरमैन ब्रॉट द फायर अंडर कंट्रोल, यानी कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो ये आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं ये आग को कंट्रोल कर पाए। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ फायर ब्रिगेड, कि फायर ब्रिगेड के जो सोर्स के अनुसार 10 workers ऑफ द गारमेंट फैक्ट्री वर किल्ड एंड 20 others वर इंजर्ड, कि 10 तो मारे जा चुके थे इस कपड़ा उद्योग के कर्मचारी और 20 घायल हो गए थे। द डेड वर सेंट टू द मोर्ग एंड द इंजर्ड वर सेंट टू द लोकल हॉस्पिटल, कि जो मृत थे उनको शवघर भेज दिया गया और जो घायल थे उन्हें पास के जो हॉस्पिटल था उसमें उन्हें भेजा गया। द कॉज ऑफ द फायर कुड बी नोन, कि जो आग लगने का कारण है उसको खोजा जा सकता था। इट वॉज सस्पेक्टेड डेट द फायर कुड बी कॉज्ड फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ऐसा माना गया कि जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ए कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन वॉज फॉर्मेड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द फायर, और एक इसके लिए एक समिति भी बनाई गई जो ये पता लगा सके कि कारण क्या था आग लगने का। बेसाइड्स द लोकल पुलिस हैज फाइल्ड ए केस, इसके अलावा जो पुलिस रहती है उन्होंने भी एक केस रजिस्टर किया है कि आग किन कारणों से लगी है। अब ये आपकी रिपोर्ट हो गई, इसके नीचे आपका नाम जो भी उस क्वेश्चन में रहेगा वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एक और रिपोर्ट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं
तीन या चार रिपोर्ट और समझा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख लें। ये सभी 12th क्लास के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।